पवित्र हज यात्रेसाठी सोलापूरहून गेलेले हज यात्रेकरूंचे आगमन एकूण 3 बसेस द्वारा आज सकाळी 10:00 समोर स्किडवाई चौकात आगमन झाले आहे। तब्बल 36 ते 40 दिवसांचा पवित्र हज यात्रा पूर्ण करून सर्व हाजी काल रात्री 8 वाजता मुंबई विमानतळ येथे आले होते। सोलापूर विभागात दौंड भिगवण दरम्यान दुहेरी कारणा कामामुळे मुंबई सोलापूर सिद्धेश्वर एक्सप्रेस सह 30 ते 35 एक्सप्रेस गाड्या सह सर्व गाड्या रद्द करण्यात आले आहे। यावेळी सोलापूरतील मुस्लिम समाजाचे नागरिक पवित्र आशा हज यात्रेसाठी गेले होते। 40 दिवसांचा यात्रा पूर्ण करून काल रात्री 8 वाजता मुंबई विमानतळावर आगमन झाले, पण सोलापूरला येण्यासाठी सिद्धेश्वर एक्सप्रेस बंद असल्याने या सर्व प्रवेशांना पटेल बस सर्व्हिसच्या 3 बसद्वारे सोलापूरला येण्याची सोय करण्यात आली आहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। आज 30 तारीख हमारे सब हाजी जो हज को गए थे वो सब आज वापस सोलापुर आ चुके हैं। हमारे पटेल टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से 3 बस एयरपोर्ट गए थे। हाजी लोग वहाँ से मुझको फ़ोन किए थे कि हम सिद्धेश्वर बंद है, हमारे लिए कुछ इंतज़ाम करो। तो हमने उनके लिए 3 यहाँ से एसी स्लीपर बस एयरपोर्ट भेजे। वहाँ से 3 बस पूरे फुल होकर आज 30 तारीख को सोलापुर में सुबह 10 बजे पहुँच चुके। कितने हाजी लोग हैं? टोटल 90 हाजी लोग सोलापुर में आ चुके। आज सोलापुर जिला खाद्य बगीचा हज कमेटी की जानिब से आज सोलापुर में जो हाजी हज के लिए गए थे वो तमाम हाजी खैरियत से सोलापुर पहुंच गए हैं। ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है, इस फर्ज की अदायगी के लिए सोलापुर खाद्य बगीचा हज कमेटी हमेशा जो है ना इनकी खिदमत में रहती है। एक महीना पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद सोलापुर से जो हाजी गए थे आज एयरपोर्ट से वापस खैरियत से पहुंचे हैं। सोलापुर से जो ट्रेन चलती है सिद्धेश्वर एक्सप्रेस है और दूसरी गाड़ियां बंद रहने की वजह से हमने पटेल ट्रैवल्स हाजी उस्मान साहब को रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है ना यहाँ से लग्जरी बस भेजें। तो यहाँ से 3 बस गई थी और 3 बस वापस आ गई खैरियत से। तमाम हाजी सोलापुर पहुंच गए हैं, इसके लिए हम पटेल टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम न्यूज़ चैनल वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं।